बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नए साल के जश्न के लिए कॉर्डेलिया क्रूज जहाज से गोवा जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल 20,000 लोगों को ले जा रहे इस जहाज का एक क्रूज स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाया गया है। क्रूज पर रैंडम हुई कोविड टेस्टिंग में पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक क्रूज पर सवार 2,000 से अधिक यात्रियों और क्रू के पूरे स्टाफ की जांच की जा रही है। जहाज पर कोविड संक्रमित क्रू सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने आरटीपीसीआर परीक्षण का परिणाम घोषित होने से पहले किसी को भी जहाज से नहीं उतरने को कहा है। क्रूज वर्तमान में मोरमुगाओ पोर्ट क्रूज टर्मिनल के पास है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने क्रूज को गोवा में खड़ी करने की अनुमति नहीं दी है। क्रूज सदस्य एंटीजन जांच में पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक ही क्रूज स्टाफ संक्रमित पाया गया है और बाकी सभी की कोरोना जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11,877 नए मामले सामने आए, जो एक दिन पहले आए मामलों से 2,707 अधिक है और साथ ही ओमिक्रोन के 50 मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि महाराष्ट्र में 9 मरीजों की भी मौत हुई है और इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,41,542 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में अब 42,024 मरीज उपचाराधीन है। संक्रमण के 11,877 मामले में से 7,792 मामले मुंबई से सामने आए हैं। फिलहाल मुंबई महानगर पालिका के अनुसार संक्रमण के 8,063 नए मामले आए। मुंबई क्षेत्र में संक्रमण के 10,394 मामले आए, जो राज्य में संक्रमण के कुल मामलों का लगभग 90%। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार शहर में 27 दिसंबर को 809 मामले आए थे, जिसका मतलब है कि रविवार तक संक्रमण के मामलों में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।